चलो बच्चा स्टार्ट करते हैं एक और नया सम। ये सम में हमें क्या दिया गया है, दो पॉलिनोमियल दिया गया है, एक डिवाइजर के तौर पे लेना है और एक आप बोलोगे सर डिविडेंड के तौर पे लेना है। आपको रिमाइंडर ढूंढना है, क्वेश्चन ढूंढना है और आपको डिवीजन एल्गोरिथम का यूज करके उसको वेरीफाई करना है। क्वेश्चन समझना तो प्रॉब्लम नहीं होगी। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं, यहाँ पे पी ऑफ एक्स लिखा हुआ है और ये हमारी पूरा बोलोगे सर ये हमारा पी ऑफ एक्स है और ये बोला हुआ है कि सर जी ऑफ एक्स जिससे हम डिवाइजर कंसिडर करेंगे, डिवाइजर मतलब एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन जिसको हम बोलेंगे, वेरीफाई करना है डिविजन एल्गोरिथम से। तो सबसे पहले बच्चा हम स्टार्ट करते हैं, यहाँ पे सबसे पहला पॉइंट यहाँ पे हम लिखेंगे 3x की पावर 5 2x की पावर 4 प्लस एक्स स्क्वायर। अब यहाँ समझना हम एक्स स्क्वायर सीधा लिख रहे हैं, उससे पहले बीच में आपको ऑर्डर तो कंसिडर करना ही पड़ेगा। ये 5 है, ये 4 है, तो आपको प्लस 0x क्यूब लिख दो, जाके जाके प्रॉब्लम ना हो इसलिए। क्यूब हो गया क्योंकि 0 को मल्टीप्लाई करोगे तो क्यूब की कोई वैल्यू नहीं है, लेकिन आगे कुछ आता है तो कैलकुलेशन पार्ट के लिए हमारे लिए इजी हो जाए। आगे चलते बच्चा, तो यहाँ पे आप बोलोगे ये क्यूब आ गया माइनस 2, यहाँ पे आप बोलोगे सर अब जो आएगा वो सीक्वेंस में प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2। तो ये पहला स्टेप हो गया, यहाँ पे हम लिखते हैं एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। जैसे ये पॉइंट कंप्लीट होता है बच्चा, अब एज यूजुअल स्टेप 1 से स्टार्ट करेंगे। यहाँ से हाईएस्ट पावर तो ये आपको कंसिडर करना है, यहाँ पे सिंपल। तो यहाँ पे आप बोलोगे सर स्टेप 1, यहाँ पे हाईएस्ट पावर मतलब डिविडेंड की हाईएस्ट पावर है 3x की पावर 5। तो हमने लिख दिया यहाँ पे 3x की पावर 5 डिवाइड बाय करेंगे एक्स स्क्वायर से। तो आप बोलोगे सर 3 का 3 5 में से 2 जाएगा तो हो जाएगा एक्स क्यूब। क्लियर, यहाँ तक कोई डाउट नहीं है, आगे चलते। तो यहाँ पे आप बोलोगे सर यहाँ पे 3x क्यूब, ये प्रॉपर आपको दिखे इसलिए, हाँ दिख रहा है, चलो। इसके बाद बच्चा तो यहाँ पे हम लिखेंगे, ये क्वेश्चन में हमने लिख दिया 3x क्यूब, क्वेश्चन में लिखा है क्वेश्चन में नहीं लिखा, कई बच्चे अंडरस्टैंडिंग में प्रॉब्लम करते हैं और बाद में कंफ्यूज हो जाता है, ये ध्यान रखना है। यहाँ पे 3x क्यूब को मल्टीप्लाई करेंगे एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 को। तो पहले को मल्टीप्लाई करेंगे तो 3x की पावर 5, यहाँ पे आप बोलोगे सर 3 का 3 ये क्यूब है और x है तो x की पावर 4 और लास्ट में 3x क्यूब, क्योंकि 1 को मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर तो 3x क्यूब ही आने वाला है। सेम वे बच्चा आप प्रोसीजर को आगे बढ़ाते हैं, तो 3x की पावर 5 प्लस 3x की पावर 4 प्लस आप बोलोगे 3x क्यूब। जैसे ये पॉइंट कंप्लीट होता है बच्चा, अब आगे चलते हैं, तो यहाँ साइन चेंज हो जाएगी, माइनस माइनस माइनस, तो ये पहला पॉइंट हमारा कट हो गया। उसके बाद बच्चा यहाँ पे समझना, तो यहाँ पे हमें बोला गया है माइनस 3 माइनस 2, तो आप बोलोगे माइनस 5 माइनस 5 एक्स की पावर 4। सेम वे यहाँ प्लस है यहाँ माइनस है, तो माइनस 3x क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2। क्लियर, तो जैसे ये पॉइंट कंप्लीट होता है बच्चा, तो यहाँ पे अब स्टेप 2 की बारी। तो स्टेप 2 हमारा जो है वो क्या आएगा, तो स्टेप 2 हमारा बहुत सिंपल है, यहाँ पे माइनस 5x की पावर 4 डिवाइड करेंगे एक्स स्क्वायर से। तो अब हमारा डिवाइड करेंगे तो 4 में से 2 होगा माइनस होगा, तो कितना हो जाएगा 5x की पावर 2। तो यहाँ पे हम लिखेंगे माइनस 5x की पावर 2, तो यहाँ पे हमने लिखना शुरू किया, उससे साथ मल्टीप्लाई होगा 5x की पावर 2 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। तो यहाँ पे अब ध्यान से समझना, 5 तो एज इट इज माइनस 5, एक्स स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर तो पावर 4, तो ये बच्चा मल्टीप्लाई होगा x के साथ, तो ये माइनस 5x का क्यूब और लास्ट में आप करोगे तो यहाँ पे हो जाएगा माइनस 5x स्क्वायर। क्लियर, जैसे ये पॉइंट कंप्लीट होता है तो यहाँ पे आपको वो क्लियर करना है, माइनस 5x की पावर 4, दूसरा है माइनस 5x की पावर 3 और माइनस 5x स्क्वायर। जैसे ये पॉइंट कंप्लीट तो बच्चा साइन चेंज हो जाएगा, साइन होगा यहाँ प्लस प्लस प्लस, तो यहाँ पे तो ये कट हो जाएगा, यहाँ पे 5 है और यहाँ पे 3 है, तो आप बोलोगे सर ये हो जाएगा 2x क्यूब। क्लियर, सेम वे बच्चा यहाँ पे वो प्लस में है, यहाँ पे भी प्लस में है, तो ये आप बोलोगे सर ये प्लस में आ गया, तो 5 में 5 प्लस 1 तो 6x स्क्वायर माइनस 2। अभी यहाँ क्यूब है यहाँ स्क्वायर है,
तो आगे डिवीजन होगा, डिवीजन होगा तो हम आगे चलते हैं स्टेप। ये हो गया हमारा थ्री, तो स्टेप थ्री में क्या है, तो आप बोलोगे सर टू एक्स क्यूब डिवाइड बाय एक्स स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 2x, क्या हो जाएगा 2x को मल्टीप्लाई करेंगे पूरे ये इसके साथ एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन, तो ये मल्टीप्लाई करते हैं तो ये कितना हो जाएगा 2x क्यूब प्लस 2x स्क्वायर, और लास्ट में बच्चा 2x इंटू वन, तो यहाँ पे हो जाएगा 2x, तो यहाँ पे हमने लिखा 2x क्यूब प्लस 2x स्क्वायर प्लस 2x। अब बच्चा बोलेगा सर यहाँ पे आपने जीरो नहीं लगाया था, कोई बात नहीं, अब बच्चा अरेंज कर लेते हैं, यहाँ जीरो नहीं लगाया था तो हम अब यहाँ पे कैसे प्रेजेंटेशन करेंगे वो देख लेते हैं। तो यहाँ पे एक हम थोड़ा ऐड कर देंगे, क्या ऐड कर देंगे, तो देखो पहले तो ये माइनस टू को साइड में रखते हैं और इसके ऊपर हम क्या लिख देंगे प्लस जीरो एक्स माइनस टू, ये माइनस टू एज इट इज लिखा और यहाँ पे जीरो लिख दिया, जैसे ये पॉइंट कंप्लीट माइनस माइनस माइनस, तो ये एक्स क्यूब तो यहाँ हमारा ख़त्म हो जाएगा। उसके बाद बच्चा छः में से दो होगा माइनस, तो हो जाएगा फोर एक्स स्क्वायर, सेम वे यहाँ पे माइनस टू एक्स और यहाँ पे माइनस टू। अब ध्यान से समझना, पहले सर ने यहाँ पे लिखना रह गया था प्लस टू एक्स, तो ये हमारा कोशेंट हम लिख देंगे, टू एक्स कहाँ से लिखा, तो ये रहा टू एक्स जो हर बार हम यहाँ पे लिखते हैं वो वाला पॉइंट, क्लियर है ये पॉइंट, ध्यान में रखना, एरो में लिखना नहीं है, ये समझाने के लिए। जैसे ये पॉइंट कंप्लीट होता है बच्चा, अभी भी यहाँ एक्स स्क्वायर है और यहाँ पे भी एक्स स्क्वायर, तो स्टेप फोर में आगे जाना पड़ेगा, तो स्टेप फोर जो हमारा है वो क्या होगा, फोर एक्स स्क्वायर डिवाइड बाय बच्चा यहाँ करेंगे एक्स स्क्वायर से, तो हो जाएगा फोर, फोर इंटू यहाँ पे पूरा ये, तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन, तो ये फोर एक्स स्क्वायर प्लस फोर एक्स प्लस आप बोलोगे 4, तो ये हो जाएगा। तो यहाँ पे जैसे हम लिखते हैं तो यहाँ पे आप लिखोगे प्लस 4 और यहाँ पे आपको वो लिखना है 4x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 4, तो ये आप बोलोगे सर माइनस क्यों सी खुशी में, क्योंकि यहाँ पे सब प्लस ही है तो प्लस ही लिखेंगे बच्चा, वो ध्यान रखना है, छोटा सा भी माइनस प्लस पूरी गेम बिगाड़ देगा, मतलब आंसर आपका रॉन्ग आ जाएगा। तो इसके साथ बच्चा ये 4x2 तो कट हो जाएगा, ये माइनस टू है ये माइनस फोर है, तो आप बोलोगे माइनस सिक्स एक्स, और ये आप बोलोगे सर ये माइनस टू है ये माइनस फोर है तो माइनस सिक्स। तो बच्चा इसके साथ हम बोल सकते हैं हमारा बेसिक तो हो गया, अब हमें क्या करना है बच्चा, तो हमें अब ढूंढना है सिंपल तरीके से, हमें वेरीफाई करना है, ये देखना है, तो आप देख सकते हो वेरीफाई द डिविजन एल्गोरिथम। तो बच्चा ये थोड़ा गायब कर देते हैं, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। देखो बच्चा, तो हमने लिख दिया डिविडेंड इज इक्वल टू हमारे में है पी ऑफ एक्स, तो आप बोलोगे सर यहाँ पे लिखो पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू, यहाँ पे आप बोलोगे डिवाइजर, जो डिवाइजर है हमारा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन इंटू कोशेंट, आप बोलोगे सर ये रहा थ्री एक्स क्यूब माइनस फाइव एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स प्लस फोर, और आप बोलोगे रिमाइंडर जो है वो माइनस सिक्स एक्स माइनस सिक्स। जैसे ये पॉइंट कंप्लीट होता है बच्चा, मल्टीप्लीकेशन शुरू करेंगे, तो यहाँ पे हम लिखोगे पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर को इसके साथ मल्टीप्लाई करते हो थ्री थ्री एक्स क्यूब के साथ, तो आप बोलोगे सर ये हो जाएगा थ्री एक्स की पावर फाइव, सेम वे एक्स स्क्वायर को मल्टीप्लाई करोगे माइनस फाइव एक्स स्क्वायर के साथ, तो आप बोलोगे सर ये हो जाएगा फाइव एक्स की पावर फोर, एक्स स्क्वायर को मल्टीप्लाई करोगे प्लस टू एक्स के साथ, तो होगा कितना प्लस टू एक्स क्यूब, और यहाँ पे एक्स स्क्वायर को मल्टीप्लाई करोगे फोर के साथ, तो आप बोलोगे सर हो जाएगा कितना फोर एक्स स्क्वायर। ये बच्चा एक टर्म के साथ हुआ, सेम वे अब दूसरे टर्म के साथ भी करेंगे। तो बच्चा ये लिखने का थोड़ा प्रोसीजर ये ध्यान से समझना, इसमें गलती ना हो, ये लंबा भी होगा और ध्यान से समझना। अब एक्स को मल्टीप्लाई करेंगे थ्री एक्स क्यूब के साथ, तो आप बोलोगे सर यहाँ पे तो आपको प्लस की साइन, थ्री एक्स क्यूब है तो यहाँ पे थ्री का थ्री स्क्वायर ये क्यूब प्लस वन, तो हो जाएगा फोर। सिंपल है, जब मल्टीप्लीकेशन होगा तो क्या होगा, पावर का एडिशन होगा, तो यहाँ पे थ्री है यहाँ पावर वन है तो ये एडिशन होगा। सेम वे बच्चा फाइव, तो फाइव यहाँ स्क्वायर है यहाँ वन है तो आप बोलोगे क्यूब। सेम वे बच्चा लास्ट में, तो आप बोलोगे लास्ट में अभी तो है, तो यहाँ पे प्लस टू का टू और यहाँ पे एक्स स्क्वायर, यहाँ पे करेंगे तो फोर एक्स, क्लियर।
यहां तक कोई डाउट नहीं होना चाहिए। सेम वे बच्चा आप बोलोगे ये वन के साथ है तो एज इट इज जो है वही हम लिख देंगे, थ्री एक्स क्यूब माइनस फाइव एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स प्लस फोर। अब बच्चा बोलेगा सर दिख नहीं रहा, ऐसे भी कोई बोल सकता है, तो माइनस सिक्स एक्स माइनस सिक्स ये हमने जो था एज इट इज लिख दिया। क्लियर? अब ध्यान से समझना बच्चा, अब जो पॉइंट है यहाँ पे आपको पहले पावर फाइव भी ढूंढना है, कोई है पावर फाइव? तो आप बोलोगे सर यहाँ पे कोई पावर फाइव नहीं है तो चलेगा, यहाँ पे फाइव एक्स की पावर फोर, यहाँ पे भी फोर है, और आप बोलोगे सर और कहीं पे भी नहीं है, तो यहाँ पे सिंपल आप फाइव में से थ्री जाएगा तो माइनस टू एक्स की पावर फोर ये आ रहा है, यहाँ टैली हो रहा है, तो टेंशन की बात नहीं है। तो देखो ये मैं खाली आपको समझाने के ऐसे कर रहा हूँ, ये का उठा हो गया, ये भी हो गया यूज। अब देखो क्यूब, ये है क्यूब, ये है क्यूब, ये है क्यूब, तो आप बोलोगे सर इसमें आगे बढ़ते टू, तो बच्चा यहाँ समझना है थ्री प्लस टू फाइव, ये माइनस में है तो ऑटोमेटिक हमारा क्या हो जाएगा, कट हो जाएगा, तो ऑटोमेटिक हम नहीं लिखे तो भी चलेगा, क्योंकि ऐसे भी हमारे में जीरो एक्स क्यूब है तो वो नहीं लिखेंगे तो चलेगा। अब ध्यान से समझना, अब यहाँ पे है फोर एक्स स्क्वायर, यहाँ पे भी टू एक्स स्क्वायर, यहाँ पे है फाइव एक्स स्क्वायर माइनस में, बस और कुछ हमारे काम का नहीं है, तो हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, फोर प्लस टू सिक्स, और यहाँ फाइव माइनस होगा तो आप बोलोगे प्लस एक्स स्क्वायर, जो यहाँ पे हमने लिख देंगे। उसके बाद बच्चा अब यहाँ पे आप बोलोगे लास्ट पॉइंट, यहाँ पे ये ऐसे देखो तो सब कट हो गया, यहाँ पे फोर एक्स है, यहाँ पे टू एक्स है, तो आप बोलोगे सर लास्ट में भी तो है सिक्स एक्स, तो यहाँ पे समझना फोर प्लस टू सिक्स माइनस सिक्स एक्स तो हो जाएगा जीरो, जो मैं लिखूंगा नहीं, और लास्ट में आप बच्चा बोलोगे ये प्लस फोर है, ये माइनस सिक्स है, तो आप बोलोगे माइनस टू, एज इट इज हमारा हो जाएगा, जो हमने वेरीफाई करने के लिए बोला गया था वो हमने बच्चा कर लिया। ये थोड़ा लिखा लंबा है तो प्रॉपर तरीके से जितना हो सके उतना हमने प्रॉपर कर दिया, आप देख सकते हो बच्चा, ये प्रॉपर नोटबुक में लिखना, क्लियर हो जाएगा। ये कलरिंग पेन आपको समझने के लिए, बाकी आपको ऐसा कुछ प्रेजेंटेशन नहीं करना है, छोटे छोटे पॉइंट है ध्यान रखना है, प्रॉपर प्रैक्टिस करोगे तो क्लियर हो जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में नए एक सम के साथ।